आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। प्रियंका गांधी के बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने के आरोप की सरकार कराएगी जांच। राफेल फाइटर डील में ऑफसेट वादों को पूरा करने में देरी पर भारत ने लगाया जुर्माना। झारखंड में 1 करोड़ लोगों ने ली कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। 15 जनवरी तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य। कश्मीरी पंडितों, गुलाम कश्मीर से आए नागरिकों ने मांगा राजनीतिक हक, विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने का किया आग्रह। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र ने किया आगाह, कहा वॉर रूम हो एक्टिव, नाइट कर्फ्यू पर भी विचार करे राज्य। पीएम नरेंद्र मोदी कल काशी को अमूल प्लांट समेत 2095 करोड़ की देंगे सौगात। 20 लाख परिवारों को घरौनी भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 2.2 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम पारा। अगले 2 दिनों में शीतलहर से मिल सकती है कुछ राहत। यूपी में 50,000 शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 5 साल बाद मिलने जा रहा प्रमोशन का उपहार। यूपी में गो आश्रय स्थलों पर पशुओं की सुरक्षा के लिए रखे जाएंगे चौकीदार या केयर टेकर। यूपी चुनाव से पहले होल्डिंग वॉर लिखा, हमारे पास अखिलेश और बीजेपी के पास इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। बाइडेन ने ओमिक्रॉन से निपटने की योजना का किया खुलासा, लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। भारतीय मूल की राजनयिक बनी तिब्बती महिला, तिब्बती मामलों की विशेष संयोजक दलाई लामा और चीन के बीच कराएंगी समझौता वार्ता। ब्रिटिश इतिहास का सबसे महंगा तलाक, पूर्व पत्नी को 5,525 करोड़ रुपए देंगे दुबई के शासक कोर्ट का आदेश। महामारी के साए में दूसरा क्रिसमस, यूरोप के कई देशों में लगी पाबंदियां, अमेरिका में सैन्य डॉक्टरों की तैनाती। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण, लेकिन नहीं टिक पाएगा भारत के ब्रह्मोस के आगे। रोहित शर्मा ने कप्तान बनते ही मचाया कोहराम, 9 दिनों के अंदर वनडे में दोहराया T20 में जड़ा विस्फोटक शतक। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर भारत से डरे, भारतीय तेज गेंदबाज को बताया सबसे खतरनाक। पाकिस्तान ने अभी से शुरू की T20 वर्ल्ड कप की तैयारी, खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में खेलेंगे। शाहरुख खान के वार से फिर हुई कर्नाटक की हार, यूपी को हराकर हिमाचल भी सेमीफाइनल में। पाकिस्तान से आई बुरी खबर, ओपनर बल्लेबाज को मैच के दौरान सीने में दर्द, अस्पताल में किया गया भर्ती। रणवीर सिंह की 83, दिल्ली में टैक्स फ्री घोषित। डायरेक्टर कबीर खान ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कहा धन्यवाद। करण जौहर के शो में बोली सारा अली खान, अपने स्वयंवर में 4 बड़े स्टार्स को देखना चाहती हूं। आर माधवन और चेतन भगत के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जुबानी जंग, एक्टर बोले 3 इंडस्ट्री फिल्म इनकी किताब से बेहतर। विवादित सीन पर चली कैची, पुष्पा फिल्म से हटाए गए अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के कॉन्ट्रोवर्सियल सीन।
विवादों में सनी देओल, अमीषा पटेल की गदर 2, मकान मालिक ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो।